एक बार की बात है, मुंबई के हलचल भरे शहर में सुमन और राहुल नाम की दो आत्माएं अपने आप को एक दूसरे से टकराते हुए पाती हैं। सुमन एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवती थी, जबकि राहुल एक करिश्माई और महत्वाकांक्षी युवक था। भाग्य उन्हें एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से एक साथ लाया और उन्हें कम ही पता था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुमन और राहुल का शुरू से ही गहरा नाता रहा है। उनकी बातचीत सहजता से चलती थी और उन्होंने साझा रुचियों और जुनूनों की एक भीड़ की खोज की। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, उनकी दोस्ती कुछ और गहरी हो गई। सुमन ने राहुल की बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धि और उसके सबसे बुरे दिनों में भी उसे हंसाने की क्षमता की प्रशंसा की। दूसरी ओर राहुल सुमन की सुंदरता, उसके दृढ़ संकल्प और जिस तरह से उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उससे मोहित हो गया। वे सबसे उल्लेखनीय तरीकों से एक दूसरे के पूरक थे। जैसे जैसे उनका बंधन मजबूत होता गया, उनके दिलों में प्यार ने जड़े जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और आराम पाया और उनका जीवन भावनाओं के एक सुंदर चित्रपट में गुंथा हुआ बन गया। जितना अधिक समय उन्होंने एक साथ बिताया, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि वे होने वाले थे। एक शाम जब वे मंत्रमुग्ध कर देने वाले मरीन ड्राइव पर टहल रहे थे, राहुल ने सुमन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने का साहस जुटाया। उसने अपना दिल बहलाया, यह व्यक्त करते हुए कि वह उसकी कितनी गहराई से देखभाल करता है और कैसे वह उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। सुमन ने ध्यान से सुना, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। भावनाओं से अभिभूत सुमन ने खुलासा किया कि उसे राहुल से प्यार हो गया था। जी, राहुल के चेहरे पर जो खुशी थी, वह खुशी की झलक दे रही थी। सुमन का दिल उस पल में, वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार होना ही था और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक कोमल चुंबन के साथ अपनी प्रतिबद्धता को सील कर दिया। उनकी प्रेम कहानी लुभावने पलों और पोषित यादों के साथ सामने आई। उन्होंने एक साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया, एक दूसरे का समर्थन और उत्थान किया। मोटी और पतली, सुमन और राहुल ने एक दूसरे के सपनों को सेलिब्रेट करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। अपरिहार्य असफलताओं के दौरान सफलताएं और को सील कर दिया। उनकी प्रेम कहानी लुभावने पलों और पोषित यादों के साथ सामने आई। उन्होंने एक साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया, एक दूसरे का समर्थन और उत्थान किया। मोटी और पतली, सुमन और राहुल ने एक दूसरे के सपनों को सेलिब्रेट करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। अपरिहार्य असफलताओं के दौरान सफलताएं और सुमन और राहुल की प्रेम कहानी उनके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दूसरे के लिए उनका अटूट समर्थन, उनकी समझ और एक साथ बढ़ने की उनकी इच्छा ने भरोसे और साहचर्य पर बनी एक नींव तैयार की। उन्होंने प्रदर्शित किया कि सच्चा प्यार केवल जुनून और रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है एक दूसरे के चट्टान और विश्वास पात्र होने के बारे में। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमन और राहुल को पता चल गया कि उन्हें एक दूसरे में अपना हमसफर मिल गया है। उनका प्यार एक असाधारण यात्रा थी, जो अंतिम प्यार करुणा और सम्मान से भरी हुई थी। वे जानते थे कि जीवन चाहे जो भी उनके सामने आए, वे उसका सामना करेंगे एक साथ, हाथ में हाथ। और इसलिए सुमन और राहुल ने अपने रास्ते में आने वाली खुशियों और चुनौतियों को गले लगाते हुए अपनी प्रेम कहानी लिखना जारी रखा। उन्होंने एक दूसरे में मिले उपहार को संजोया, यह जानते हुए कि उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। उनकी कहानी प्यार की ताकत का एक वसीयतनामा बनी हुई है। हम सभी को याद दिलाती है कि जब दो दिल एक दूसरे को मिलते हैं तो जादू होता है। सुमन और राहुल दोनों का लव स्टोरी सुनकर कैसे लगा?
अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। स्टोरी कंपोज्ड बाय ज़ेवियर जोजो। बी ऑन नेक्स्ट रोमांचक स्टोरी।